गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पेपर वन की चर्चा किया था, और ये चर्चा किया था कि उसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेकंड पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और चूंकि इसमें जो भी आपके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, इसमें इसका जो सब्जेक्ट है और जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, तो थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। बट प्रॉबेबली हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को रखें जो क्वेश्चन ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉबेबल हों, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हों। ओके, तो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें यूनिट वन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन हो सकता है वह आपका, उसमें पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार अक्सर देखा गया आया है कि लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र, ठीक है। तो लोक प्रशासन का अर्थ और जो क्षेत्र है इसका मतलब है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, या इसे कह सकते हैं कि राइट नोट ऑन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप कह सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका बेसिक मतलब हुआ कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, या तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपका हो जाएगा कि लोक प्रशासन के अर्थ और उसके क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, या थ्रू लाइट ऑन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी क्वेश्चन होगा ओवरऑल यही होगा कि चाहे लोक प्रशासन के अर्थ और क्षेत्र पे प्रकाश डालिए, चाहे उस पर टिप्पणी लिखिए, चाहे उस पर एक ऐसे लिखिए। ओके, और सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपका इसमें हो सकता है वह है, एक कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि नवीन लोक प्रशासन जिसे आप कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें भी आ सकता है राइट अ नोट ऑन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू पब्लिक स्ट्रक्चर। तो कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुल मिला के यहाँ से जो क्वेश्चन हो सकता है वह यही होगा कि नवीन लोक प्रशासन क्या होता है और उसकी विषय वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो आप एक बार से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर। नवीन लोक प्रशासन क्या है और उसकी विषय वस्तु क्या है, इस पे आपको विस्तार पूर्वक लिखना होगा, राइट नोट ऑन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर। अदरवाइज आ सकता है कि थ्रू लाइट ऑन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर, या हो सकता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट, विस्तृत पूछ सकता है टिप्पणी या निबंध पूछ सकता है इसी पर। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये महत्व पूछ सकता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर जिनका कई बार आया हुआ है वह है आपका कि संगठन के आधार तथा प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो आपका है बेसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू लाइट ऑन द बेसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा आपका बेसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो सकता है NIESTMN ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिस थ्रू लाइट, या हो सकता है कि राइट नोट ऑन बेसिस एंड टाइप्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन संगठन के आधार और उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, संगठन के आधार क्या होते हैं व उसका प्रकार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर टू, यूनिट टू की चर्चा करेंगे। यूनिट टू में आपके जो क्वेश्चन हो सकता है, एक तो इसमें आपका बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसमें आपका फेडरेशन सिस्टम है, इसमें आपका इसी में यूनिट टू में आपका फिर आगे है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसी में आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट है, उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे इसका भी काफ़ी क्षेत्र बड़ा है। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन में महत्वपूर्ण जोड़ देंगे, वह है भारतीय प्रशासन पर संघवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फेडरलिज्म ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा इम्पैक्ट ऑफ फेडरलिज्म ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका है कि भारतीय प्रशासन पर संघवाद का प्रभाव। ठीक है, तो एक तो आपका हो जाएगा भारतीय प्रशासन पर संघवाद का प्रभाव, ये हो सकते हैं। और दूसरा इसी का जो एक और महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, वह है आपका कि केंद्र राज्य संबंध में कई बार पूछा गया है, तो केंद्र राज्य संबंध में जो आपका विधायी है, फाइनेंशियल है, तो एटलीस्ट एक आप पढ़ सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि डिस्कस क्रिटिकली द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो आप एक प्रकार से पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्य संबंधों में जो वित्तीय संबंध है दोनों के बीच में, उस पर टिप्पणी लिखिए, उस पर प्रकाश डालिए, उसका उल्लेख कीजिए, अदरवाइज उसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कर उसको कीजिए या उसकी समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो बताइए क्या क्या सही है, क्या गलत है, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनमें कुछ आलोचना आप उससे बता सकते हैं, कुछ इसके जो मूड पॉइंट है, विवादित विषय है उनको आप बता सकते हैं, इसमें से कुछ आपके जो कंट्राडिक्टरी एस्पेक्ट हैं उनको आप उल्लेख कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। और इसी में एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, वह आपका है कि जो कैबिनेट सचिवालय होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो थ्रू लाइट ऑन द कैबिनेट सेक्रेटरिएट पे आ सकता है। तो अगला आ सकता है थ्रू लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट। तो ये आपका है थ्रू लाइट ऑन कैबिनेट सेक्रेटरिएट SECRETARIATE कैबिनेट सेक्रेटरिएट। तो आपका हो गया जो कैबिनेट सचिवालय है उस पर प्रकाश डालिए, मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट, या आप कह सकते हैं कि जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है इज द पीवेट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कैबिनेट मतलब आपका है कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासन की एक धुरी होती है, इस पर प्रकाश डालिए। तो ओवरऑल जो है ये कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरिएट का जो स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, या कार्य क्या करते हैं, इसकी प्रणाली सिस्टम क्या है, उसी पे आपको पूरा प्रकाश डालना है। तो एक पूरा आपका कैबिनेट सेक्रेटरिएट पे एक अपना विस्तृत टिप्पणी आप तैयार कर सकते हैं। यूनिट थ्री की चर्चा करेंगे। यूनिट थ्री में आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनमें से यूनिट 3 में पहला आपका हो सकता है
एक तो देखिए इसमें आपका नीति आयोग है, लोक लेखा समिति है इम्पोर्टेंट जो है, उसके बाद इसमें एक आपका है रोल एंड रिलेवेंस ऑफ पोस्ट लेबलाइजेशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से आप दो तीन दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं, वह है लोक लेखा समिति के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। पहला तो आपका इसमें हो जाएगा लोक लेखा समिति डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो हो जाएगा पहला डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड, तो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया कि लोक लेखा समिति के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिए, मतलब आपका हो जाएगा कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इस पे टिप्पणी लिखिए, राइट नोट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी एंड फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या आ सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कुल मिला के यही है कि लोक लेखा समिति जो है उसके संगठन का ढांचा कैसा है, उसके कार्य की पद्धति क्या है, इसी पे आपको विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है कि नीति आयोग के संगठन और कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो नीति आयोग का कैसे गठन हुआ है, नीति आयोग की कार्यप्रणाली क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, ये आपको लिखना है। तो अगला आप लिख सकते हैं कि कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो आपका योजना आयोग के स्थान पे बनाई गई है, तो इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं या क्या करता है, तो आपका नीति आयोग भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नीति आयोग और इसके ऊपर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इस पर आप पढ़ लीजिएगा। और इसी में एक और बड़ा आपके सब टॉपिक से बहुत कई बार है, वह है आपका चाहें तो आप इसी में एक और पढ़ सकते हैं, वह है कि प्राकलन समिति। ठीक है, जो आपका इस्टीमेट्स कमेटी है उसका, तो फंक्शन एंड पावर्स या कर सकते हैं कि उसके संगठन गठन कार्य और अधिकार, तो आप इसको कर सकते हैं कि इसको पढ़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप प्राकलन समिति के गठन, ठीक है, गठन उसके कार्य और अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो कर सकते इस आपका हो जाएगा कि कंपोजिशन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इस्टीमेट्स कमेटी, ऑफ द इस्टीमेट्स कमेटी। इसका मतलब हो गया कि जो आपकी प्राकलन समिति है उसका गठन कैसे हुआ, उसके कार्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, उस पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है। तो कंपोजिशन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इस्टीमेट कमेटी। ठीक, यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट फोर में जो आपके हो सकते हैं प्रश्न, इसमें प्रॉबेबल जो जात सबसे ज़्यादा हैं वे हैं, एक तो आप दो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए हो सकते हैं वह है आपका
वाला है कि भारत में जो पंचायती राज राज संस्थाएं हैं इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपका एक प्रकार से कर सकते हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आपका हो गया रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को उल्लेख करना है। आ सकता है राइट इसे राइट नोट थ्रो लाइट अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो आपका कुछ भी होगा तो कुल मिलाकर पंचायती राज क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी व्यवस्था कैसी है, यह कार्य कौन करती है, फंक्शन क्या करती है, इसका शासन प्रशासन में भूमिका क्या होती है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको यही चीज बताना है इसमें। और अगला जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के महत्व भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अगला आपका जो क्वेश्चन है वह है कि राइट नोट ऑन द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया। तो आपका हो जाएगा राइट अ नोट ऑन द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, राइट नोट ऑन द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द सिविल सर्विसेज इंडिया। भारत में लोक सेवा के महत्व उसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। या सकता है भारत में लोक सेवा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। यूनिट 5 लास्ट आपका रहेगा, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हो सकता है राइट नोट ऑन द करप्शन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है यूनिट जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। पांचवा है, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया। तो हो जाएगा पहला प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और निवारण आ सकता है। हाँ, हो सकता है कि राइट अ नोट ऑन द प्रॉब्लम एंड रेमेडी ऑफ करप्शन। तो आ सकता है भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचार की समस्या और उसके निवारण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, भी आ सकता है। तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया, पहला भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। और लास्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, अंतिम आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, वह है कि भारत में लोकायुक्त जो लोक आयुक्त की शक्तियां उसकी कार्य पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोक आयुक्त इन इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोक आयुक्त इन इंडिया। तो भारत में लोक आयुक्त पे एक टिप्पणी लिखा जा सकता है, राइट नोट ऑन लोक आयुक्त इन इंडिया। एक हो सकता है भारत में लोक आयुक्त पे टिप्पणी लिखिए, या हो सकता है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द लोक आयुक्त इन इंडिया। या हो सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन
द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, आगे हम लोग फिर इसके बाद चर्चा करेंगे जो आपके नेक्स्ट पेपर की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।